कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज इस वीडियो में आपको बताने वाला है कि किस तरीके से आप इंस्टाग्राम रील्स वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिना किसी ऐप के। तो इस वीडियो में आपको दो ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे आप इंस्टाग्राम रील्स वीडियो को विदाउट किसी ऐप के डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक लाइक करते हो तो हमें वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज आगे फोन के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए हम इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको रील्स वाला सेक्शन पे जाना है। रील्स वाला सेक्शन पे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप जो भी रील्स डाउनलोड करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको रील्स सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम जैसे कि हम ये रील्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको थ्री डॉट पे टाइप करना है। थ्री डॉट पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक जो है यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो लिंक कॉपी करने के बाद आपको सबसे पहले बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। चलिए हम अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको सर्च वाला ऑप्शन पर यहाँ पे सर्च करना है इंस्टा स्टोरी सेवर। चलिए मैं यहाँ पे सर्च किया हुआ पहले से। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट आएगा। तो सबसे पहला जो आपको वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है आपको उस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद वहाँ पे जो भी लिंक आप कॉपी किए थे आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। चलिए हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पर टाइप कर देना है। डाउनलोड वाला ऑप्शन पर टाइप करने के बाद आप देख सकते जो भी वीडियो वहाँ पे था यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको सेव ए वीडियो पर टाइप कर देना है। जैसे आप सेव वीडियो पर टाइप करते हैं आपके गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। उसके बाद जो मैं आपको दूसरा ट्रिक बताने वाला है उसके लिए आपको फिर से अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे जाना है। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपके जो भी आप रील्स डाउनलोड करना चाहते हैं सबसे पहले आपको रील्स सेलेक्ट करना होगा। तो देख सकते हैं अगर हम ये रील्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो थ्री डॉट के ऊपर एक ऑप्शन शो कर रहा है, आपको उस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। ऐड रील्स टू योर स्टोरी पे आपको टाइप करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पे जूम कर सकते हो, जितना जूम करना चाहते हो जूम कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन शो कर रहा होगा, आपको थ्री डॉट पे टाइप करना है। थ्री डॉट पे टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन शो कर रहा है, आपको सेव वाला ऑप्शन पर टाइप कर देना है। जैसे ही आप सेव वाला ऑप्शन पर टाइप करते हो आपका जो रील्स है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये वीडियो आपका सेव हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे गैलरी में जाकर चेक कर लेते हैं कि मेरा रील्स डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं गाइज मेरा रील्स जो है डाउनलोड हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।